तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आ गए एक और नए कमाल के कॉन्सेप्ट को लेके, कृष्ण जन्माष्टमी फोटो एडिटिंग विथ राधा, यानी राधा के साथ कृष्ण जन्माष्टमी फोटो एडिटिंग। कैसे करना है आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके ठोक दीजिए, एकदम हाईएस्ट लाइक पहुँचाइए गाइस, ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों को क्या करना है गाइस, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी ऐसा एडिटिंग कर पाएंगे। इतना HD देख सकते हैं, इतना, ठीक है गाइस। तो यार बिना समय को गवाते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो गाइस प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। तो चलते हैं वीडियो की तरफ भाई, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है गाइस। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया हूँ, आप लोगों को सारा चीज़ इसमें देखने को मिल जाएगा, कैसे क्या किया हूँ, ठीक है। और सिंपल है गाइस, टेंशन मत लीजिए, आप किसका वीडियो देख रहे हैं आप लोग एडिटिंग कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है, बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज ये है मेरा ओरिजिनल फोटो, जो कि आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से है, ठीक है। इसका पहला प्रोसेस जो है क्या करना है आप लोगों को, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले इसे शेयर कर देंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है गाइज। तो इसे मैं ऑटोडेस्क के अंदर शेयर कर रहा हूँ, किस लिए चलिए उसके अंदर बताता हूँ, ठीक है गाइज। तो ये रहा ऑटोडेस्क एप्लीकेशन, ठीक है, देख लीजिए। अब इसके अंदर ले चलेंगे, अब क्या करना है गाइस, यह हमारा फोटो इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो ऐसा एडिट करने के लिए गाइस, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा पूरा फुल तभी समझ पाएंगे, ठीक है गाइस, इतना फुल HD एडिटिंग और कैसे मैंने एडजस्ट किया पूरा रियलिस्टिक, ठीक है गाइस। तो आप भी पूरा मतलब रियलिस्टिक चिपका सकते हैं, ठीक है गाइस, अगर जो इस वीडियो को देख लिए तब, ठीक है गाइस। तो इतना होने के बाद तो स्मूथ करने के लिए लेके आए हैं गाइस इसको, इसके अंदर स्मूथ कैसे करना है आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा सा बस फेस स्मूथ करना है और हैंड एक, ठीक है, अपना और कुछ नहीं। और उससे पहले गाइस थोड़ा सा अपना फेस स्नैपशीट में साफ़ कर लीजिएगा सिलेक्टिव टूल से, ठीक है गाइस, समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, हमारा फोटो इस ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है, इसके बाद का प्रोसेस क्या करना है, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद ब्रश वाला जो आइकन है, ये वाला ब्रश यूज कीजिएगा और इसका सेटिंग आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, 1 1 1 और नीचे भी 1 और ये भी 1 और इसका साइज अपने हिसाब से बढ़ाते घटाते रहिएगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको मतलब अपना बस फेस स्मूथ करना है, ठीक है, इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ, देख लीजिए कितना अच्छे से स्मूथ हो रहा है, इसी टाइप से कीजिएगा, ठीक है गाइस, बिल्कुल आराम से स्मूथ वाला वर्क किया जाता है, मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है गाइस। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मेरा वीडियो कंटिन्यू आने वाला है इस बार, ठीक है, हर बार बोलता हूँ लेकिन इस बार कंटिन्यू आएगा। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, तो देख सकते कितना मस्त स्मूथ हो रहा है, ठीक है गाइस। अभी भी मैं साइज छोटा बड़ा नहीं किया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि आईब्रो का ऊपर मतलब आँख के ऊपर का जो पार्ट बचा है उसे मैं मतलब जो भी है स्मूथ करना कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो इसी तरह स्मूथ कीजिएगा, तो वीडियो लंबा होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को भी दिक्कत होगा। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ अच्छे तरीके से हो चुका है आप लोगों के आंखों के सामने, ठीक है गाइस। थोड़ा सा भी इसको मतलब थोड़ा सा भी स्किप नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी वीडियो कोई भी पॉइंट, ठीक है गाइस, और नहीं भी कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं किया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। सारा चीज़ आप लोगों को बताऊँगा तभी आप समझेंगे क्या रियल है क्या कुछ मतलब अलग है, तो सारा चीज़ मैं रियली बताता हूँ, आज आप लोगों को यकीन हो जाएगा जिनको नहीं होता है। बाकी सब मेरा रोज़ जो वीडियो देखते हैं वो सारा कुछ जानते हैं मेरे बारे में, ठीक है गाइस, तो समझ सकते हैं। और देख सकते हैं कितना मस्त स्मूथ हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ गया है और ब्लैक ब्लैक कैसे हटाएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए। तो इतना होने के बाद आगे का प्रोसेस जो है इसे सेव कर लेंगे, सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं, कहाँ से
या इस पर टैप करेंगे और गैलरी के अंदर सेव कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो बस अपना स्मूथ कीजिएगा क्योंकि मेरा जो भी फ्रेंड है साथ में इससे तो कट आउट करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे गाइस, ये रहा बैकग्राउंड। ठीक है, और इसी बैकग्राउंड पर मैंने ऐसा एडिट किया है, कैसा ऐसा। ठीक है गाइस, ऐसा एडिट किया है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऐसा एडिट किया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे गाइस, शेयर कर देंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये रहा गाइस पिक्सआर्ट। अब यहाँ पे यार मतलब 100 में यार 90% वर्क पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर हुआ है। फर्स्ट वर्क क्या कीजिएगा, टिल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और इस पे रिसाइज कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा क्या, 5000। ठीक है गाइस, तो 5000 लिखने के बाद नीचे लास्ट पिक्सल शो हो गया 30 82, तो यहाँ पे 30 और 82 कर देंगे। करने के बाद रिसाइज कर देंगे। अब हमने स्मूथ किया था, क्या करेंगे यार उसको यहाँ पे इरेज, इसका बैकग्राउंड कैसे इरेज करेंगे बस देखते रहिए। ठीक है गाइस, तो इसको इतना पे कर देंगे। करने के बाद क्या करेंगे, अब नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा, रिमूव बीजी का ऑप्शन है, रिमूव और बीजी। ठीक है गाइस, तो इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे देखिए रिमूव बीजी। ठीक है, इस पर टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कट आउट करेगा। बस नेट ओपन रहना चाहिए और थोड़ा सा फास्ट रहना चाहिए, तो ऑटोमेटिक कर देगा। अगर जो नहीं कर पाएगा तो फोटो रूम से भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो मैं इसी से कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, नहीं तो मैं भी फोटो रूम से करता था, आप लोग की आंखों के सामने जो भी करता था करता था। तो अब मैं इससे मतलब बहुत ही HD हो रहा है तो इसी से मैं कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, बैकग्राउंड इरेज तो हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे अपने फ्रेंड का बॉडी जो है पूरा इरेज करना है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हार्डनेस फुल कर देंगे। फुल करने के बाद ये फ्रेंड का जो बॉडी का पार्ट है इसे इरेज कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ से आराम से जो भी यहाँ पे आ जाएगा तो रिस्टोर पे क्लिक करके अपने बॉडी का जो भी पार्ट कटेगा रिस्टोर पे क्लिक करके उसको ला सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं कैसे हटा रहा हूँ देख लीजिए, अपने फ्रेंड का बस हटाएंगे। ठीक है गाइस, और हैंड के अंदर अंदर अच्छे तरीके से साफ करेंगे, मतलब इस टाइप से देख लीजिए कितना बढ़िया से, मतलब ब्रश, मतलब आप लोग चलाइएगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और मेरा वीडियो देखिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए मेरे भाई, क्योंकि ऐसा वीडियो कोई नहीं बताता है। थोड़ा सा फिंगर कट गया तो इसको मैं ला देता हूँ। ठीक है, तो इतना होने के बाद क्या करेंगे, अरे यार इरेज पे क्लिक करके इसे सारा इरेज कर देंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड का पार्ट जो भी है इतना मैं इरेज कर देता हूँ। ओ भाई, तुम इरेज करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इसी टाइप से इरेज कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसी टाइप से अच्छे से इरेज कर दीजिएगा, फिंगर के बीच का पार्ट निकाल दीजिएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा, राइट का आइकन पे, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे हेयर के बीच में थोड़ा सा येलो दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इरेजर पर क्लिक करके हार्डनेस जो है नीचे वाला कम कर देंगे और यहाँ पर बीच में थोड़ा सा कर देंगे इरेज और यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद क्या करेंगे, इतना होने के बाद गाइज अच्छे से ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना होने के बाद राइट के आइकन पे क्लिक कर देंगे, उससे पहले ये ऊपर का भी इरेज का पार्ट जो है इरेज कर देते हैं वाइट का। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा गाइज, थोड़ा सा भगाइएगा मत मेरे भाई। इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद क्या करेंगे, गर्ल वाला PNG जो है उसे ऐड करेंगे ऐड फोटो पे क्लिक करके। तो मैं ऐड कर देता हूँ, ये रहा गर्ल का PNG जो कि हमारी है राधा, तो इनको राधा को ऐड कर देंगे। इस फोटो के लिए बस राधा बोल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो एडजस्ट कीजिएगा, तो मैं राधा ही बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लंबा खींच दे रहा हूँ, ठीक है अच्छा लगेगा। अब क्या करेंगे, अपना वाला जो फ़ोटो है, अब देखिए कितना यूनिक लगेगा यहाँ पे, अपना वाला जो फ़ोटो है इसको क्या करेंगे, इस PNG को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इतना पे करने के बाद क्या करना है गाइस, अपना जो PNG है उसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। करने के बाद क्या करेंगे, इसको मूव अप कर देंगे। मूव अप करने के बाद क्या करना है गाइस, देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो गया। अब गला का पार्ट जो है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करेंगे जो चुनरी है गाइस, एक मिनट आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे जो चुनरी दिख रहा होगा राधा का, मतलब गर्ल का, उसे इरेज करेंगे, मतलब अपने बॉडी का पार्ट इरेज करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, इरेजर पर क्लिक करके और हार्डनेस फुल कर देंगे। फुल करने के बाद आएंगे, जूम करेंगे और यहाँ से चुनरी का पार्ट लाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ से मैं ला देता हूँ, तो इसी टाइप से आप लोग ला दीजिएगा। ठीक है, आगे की तरफ। ठीक है, बाकी सब हैंड वगैरह एडजस्ट हो गया अच्छे से, इतना ही करना है। राइट के आइकन पर क्लिक करके, इतना होने के बाद राइट के आइकन पर क्लिक करके थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बड़ा हो गया देख। ठीक है गाइस, जितना चाहता हूँ उतना हो जाता है, हो गया। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो चुका है।
इतना होने के बाद राइट के आइकन पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। फाइनली सेव हो चुका है। अब क्या करेंगे यार, फेस अब इसे अच्छे से एडजस्ट करेंगे, बाकी सब पीएनजी लगाएंगे। उससे पहले क्या करते हैं, रिटच वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और लिप्स को रेड कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी बताऊँगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो लिप्स को मैनुअल पर क्लिक करके और नीचे वाला लिप्स को रेड कर देंगे। करने के बाद सिचुएशन फुल कर देंगे, अमाउंट अपने हिसाब से रख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिसको समझ नहीं आएगा वीडियो स्लो करके भी देख सकता है। ठीक है गाइस, तो इतना मैं रेड कर देता हूँ, राइट के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है गाइस, अब क्या करेंगे गाइस, अब मैं यहाँ पे मतलब सिर पे जो पट्टी था उस पीएनजी को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक एक करके सारा ऐड करूँगा, सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है अभी लास्ट में बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए। तो ऐड फोटो पर क्लिक करके सबसे पहले पट्टी ऐड करता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने दो पीएनजी ऐड किए, ये बैच वाला और एक ये पट्टी वाला। ठीक है गाइस, तो इसी पट्टी को मैंने लगाया, इसे क्या करेंगे लंबा कर देंगे। लंबा करने के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। करने के बाद गाइस क्या करेंगे, इतना पे एडजस्ट कर दीजिएगा बिल्कुल आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। तो एडजस्ट करने के बाद इरेजर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और हार्डनेस जो है इसमें फुल रखिएगा। फुल करने के बाद यहाँ पे इरेज कर दीजिएगा इतना। ठीक है, इरेज कर दीजिएगा और यहाँ का भी पार्ट थोड़ा सा इरेज में कर देता हूँ ऊपर का। तो अपने फुल सिर पे लगा सकते हैं, मेरा बाल है इसके कारण मैं इतना ही लगा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। इतना होने के बाद क्या करेंगे, राइट के आइकन पे क्लिक करके इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लंबा कर चौड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चौड़ा हो गया। ठीक है, चौड़ा होने के बाद क्या करेंगे, ये वाला जो बैच वाला पीएनजी इसको कहाँ पे लगाना है आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको क्या कीजिएगा, नीचे की तरफ अपने फोटो के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा किधर घुमाना है। तो मैं रोटेट करके घुमा के इस टाइप से कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करूँगा अच्छे से। करने के बाद इतना होने के बाद क्या करेंगे, इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसके नीचे का कुछ पार्ट इरेज कर देता हूँ। ठीक है, राइट के आइकन पर क्लिक करके इसे सेव कर दूँगा। ठीक है गाइस, सेव करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा निकला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इतना ही से मुझे बेकार लग रहा है इतना से। ठीक है गाइस, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेच वाले ऑप्शन के अंदर आएंगे, टूल्स वाले के अंदर। ठीक है, और इसको जूम करके और इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ खींच देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सीधा हो गया, देख लीजिए कितना मस्त लग रहा है। राइट का आइकन पर क्लिक करके सेव कर देंगे, बिफोर एंड आफ्टर नहीं दिखा। तो चलते हैं आगे की प्रोसेस क्या करेंगे, अब टीका वगैरह लगाएंगे। ठीक है गाइस, और मोर का पंख लगाएंगे, तो उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज मैंने एक ही साथ 6 पीएनजी ऐड कर दिया है, तो सबको नीचे करेंगे। ठीक है गाइज, और एक एक करके लगाएंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे क्या लगाना है। ठीक है, तो ये बाली वाला भी इधर रख देता हूँ, इधर की तरफ सब रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टीका वाला ले चलते हैं और बासुड़ी को भी इस साइड रख देंगे। ठीक है गाइज, अब देखते रहिए एक एक चीज़। ठीक है, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा सारा चीज़ मिलने के बाद। ठीक है, नहीं तो एडिट नहीं कर पाएंगे, फिर मुझे मत बोलिएगा कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। ठीक है गाइज, तो इसको टीका वाला ऐसा एडजस्ट कर देंगे। करने के बाद क्या करेंगे, राइट के मतलब इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हार्डनेस फुल करके इसे ऊपर का पार्ट को जो है मिटा देंगे। ये अंदर चला गया। अब क्या करेंगे, राइट के आइकन पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, ये एब्रो वाला जो है आईलाइनर बोलेंगे इसे। ठीक है गाइस, तो इसको क्या करेंगे, इस ब्लेंडिंग मोड के अंदर आके स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद क्या करेंगे, इसे ले चलते हैं अपने फेस के ऊपर, यानी थोबड़े के मतलब जो भी एड फेस के ऊपर ला दिए। अब क्या करेंगे, इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ये बाल के वाला पार्ट इरेज कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद क्या करेंगे, अच्छे से एडजस्ट हो गया, राइट के आइकन पर क्लिक करके अब माला वाला जो पीएनजी इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इतना पे। ठीक है, तो कैसे कैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ बस देखते रहिए, इतना पे एडजस्ट कर दे रहा हूँ। करने के बाद क्या करेंगे, इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और हार्डनेस जो है इरेज का फुल रखेंगे। फुल रखने के बाद इधर का पार्ट जो है इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इतना मैं अंदर कर दिया। ठीक है, तो इरेज टूल पर क्लिक करके और ला दे रहा हूँ। इतना होने के बाद क्या करेंगे, अब हैंड के पार्ट जो है उसे इरेज कर देंगे, उसके ऊपर का इरेज, और ये लीजिए इधर का भी इरेज। अब चला गया ये अंदर की तरफ, यहाँ ऊपर कुछ ज़्यादा इरेज हो गया तो अंदर की तरफ चला गया, देख लीजिए कितना सिंपली से। ठीक है, सिंपली है गाइस। अब ऊपर क्या करेंगे, इरेज का ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से ऊपर का भी पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देंगे। ठीक है, जिससे लगेगा कि अच्छे से माला एडजस्ट है, देख लीजिए बिल्कुल मतलब ख़तरनाक लग रहा है। अब क्या करेंगे गाइस, बांसुरी वाला पीएनजी जो है ऐड करेंगे। यहाँ पे हैंड के अंदर था मेरे, तो यहाँ पे मैं अच्छे से एडजस्ट कर दे रहा हूँ। कैसे, इसको मूव अप कर देंगे, मूव अप, क्योंकि माला के ऊपर आ जाएगा। आने के बाद क्या करेंगे, इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, और हार्डनेस फुल रखेंगे। हार्डनेस फुल रख के वर्क कीजिएगा और फिंगर पर का मिटा देंगे, जिससे लगेगा ये फिंगर के अंदर है। इसी टाइप से मिटा दीजिएगा, बस फिंगर पे का।
ठीक है गाइस, तो मैं इसी टाइप से मिटा दे रहा हूँ। एडिटिंग से कोई भी रिलेटेड कोई भी परेशानी हो आप लोग तो मुझे कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे नंबर है, जाकर फॉलो कर लीजिए मुझे, ठीक है 2202। ठीक है, अब राइट के आइकन में क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद अब कान का बाली लगाएंगे, उससे पहले मोर का पंख लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं मोर का पंख लगा दे रहा हूँ, एक यहाँ पे लगाऊंगा, इसका डुप्लीकेट पार्ट करके इसका छोटा पार्ट वहीं पे बगल में लगा दूंगा। लगाने के बाद क्या करेंगे देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको और छोटा कर देता हूँ तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको एक छोटा कर देंगे, ठीक है बिल्कुल ही इतना, देख लीजिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे माला वाला जो पीएनजी है इसको क्या करेंगे क्रॉप करके और एक को उड़ा देंगे, एक को छोड़ देंगे। ठीक है गाइस, तो एक को ले चलते हैं इस एक कान के पास। अभी भी फुल एचडी करने का एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है गाइस, और मैच नहीं करेगा यार लड़की का से फेस को तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको क्या करेंगे यार कान का बाली जो है, अब देख लीजिए ये ऐसा ही दिक्कत होने लगता है एक साथ पीएनजी ऐड करने पे। ठीक है, अब क्या करेंगे गाइस तो बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर से मैं माला वाला पीएनजी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक माला का एक जो माला है मतलब माला कान का बाली है उसको ऐड करके राइट के आइकन पर क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा फाइनली। तो एक बार और मैं ऐड कर देता हूँ एक कान के लिए। तो गाइस दूसरे कान का बाली आ चुका है, अब इसे क्या करेंगे इस साइड लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि उसको इधर लगाया और इसको इधर लगा देंगे, अब दोनों कान अच्छे से एडजस्ट हो गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, बड़ा करने के बाद क्या करेंगे राइट के आइकन पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। अब क्या था गाइस, हैप्पी मतलब जो भी जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी लिखा हुआ था उसको ऐड करेंगे ऊपर की तरफ, आगे की तरफ जो वो था उसको ऐड करेंगे, कुछ भी दो तीन पीएनजी और ऐड करना है और इसको ले चलेंगे लाइट रूम के अंदर। उसके बाद खेल दिखा रहा हूँ आपको कैसे खेला जाता है एडिटिंग का। ठीक है गाइस, तो ऐड फोटो क्लिक करके उसे ऐड कर देता हूँ। तो गाइस तीन पीएनजी जो है ऐड करना है कैसे, ये ग्रीन वाला है इसको क्या करेंगे क्रॉप कर दे रहा हूँ, बाकी का पार्ट जितना लगाना है उतना ही मैं रख रहा हूँ, तो इसको नीचे की तरफ मैं लगा दे रहा हूँ। इतना हो गया डन। अब क्या करेंगे यार ये जो मटका वाला पीएनजी है उसको भी क्या करेंगे इतना इरेज कर देंगे, बाकी एक पार्ट जितना लगाना है उतना ही रखेंगे। इस मटका वाला पीएनजी को ऊपर की तरफ लगाएंगे, इतना ही लगाने से गाइस फोटो का लुक बनेगा बढ़िया से। अब क्या करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी वाला जो है पीएनजी यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, यानी सूरज मतलब सॉरी सूरज बोल रहा हूँ गाइस, मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के बगल में। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अच्छे से नीचे की तरफ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद क्या करेंगे राइट के आइकन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। गाइस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का सारा वर्क खत्म हो चुका है, कुछ छूट रहा हुआ तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, और आँख में आई लेंस लगा लीजिएगा, सारा कुछ दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे ले चलते हैं ड्रा टूल के अंदर आ गए हैं। इतना होने के बाद छोड़ मत दीजिएगा, इसको फेस मैच कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या करेंगे चलते हैं लाइट रूम के अंदर इसे लेके। ठीक है गाइस, तो इसको शेयर कर देता हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर और इसको रेमनी मार दीजिएगा एक बार, तो फोटो का क्वालिटी बन जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैं बता दे रहा हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो रेमनी ऐप यही है, जाके डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से ऐड देखना पड़ता है और कुछ नहीं, बाकी वर्क ये कर देता है। ठीक है गाइस, तो हमारा फोटो जो है लाइट रूम के अंदर आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हमारा फोटो लाइट रूम के अंदर आ चुका है। इसके लिए एक प्रेसेट बना के रखा हूँ, जो प्रेसेट यही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ भाई लोग आप लोग के लिए। ठीक है गाइस, तो मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए यार, मुझे भी आगे बढ़ाइए, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग करेंगे, नीचे वाला सेलेक्ट कर देंगे और राइट के आइकन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है गाइस, प्रीसेट कॉपी हो चुका है। अब चलते हैं ओरिजिनल पिक पे जिसको एडिट कर रहे हैं, उसको किया था कॉपी, इसमें करेंगे पेस्ट, तो थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कर देंगे पेस्ट। अब देखिए गाइस एक ही क्लिक का खेल है, पूरा लुक चेंज हो गया, दोनों मतलब कृष्ण और राधा यानी कहने का मतलब दोनों का फेस मैच कर दिया। इसी टाइप से आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी टाइप से कर दीजिएगा और जो कलर का यूज नहीं होगा कैसे क्या करना है तो एडजस्ट कर लीजिएगा कलर में आकर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्लैक डाउन करना है तो डाउन कर दिया। अब देख लीजिएगा कितना यूनिक लग रहा है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।